एक लड़की एक्चुअली सुसाइड कमिट करने चली गई थी। दिवाली आओ, क्या हालत हो रखी है मेरी इस टाइम पे। गुड मॉर्निंग, आज है दिवाली और सबसे पहले होगी घर की सफाई। अभी मुझे खुद को साफ करना है। कैसी लग रही हूँ मैं? मेरे यही होता है दिवाली की सुबह और दिवाली की रात में, बहुत अंतर होता है। दिवाली की सुबह ऐसे हमारा प्लीज फोकस, सुंदर लग रही हूँ पर इतने भी नहीं, प्लीज फोकस। दिवाली की रात ऐसे, तो मैं अभी सब कुछ साफ कर चुकी हूँ, सिर्फ एक जगह बची और वो है मेरा मेन गेट। वो हमेशा मैं गंदा रखती हूँ लेकिन दिवाली है आज साफ करूंगी मैं, वो बहुत गंदा। ग्लिम्स दिखाती हूँ, ठीक है? यू कैन सी दैट मैं इसको कभी साफ नहीं करती हूँ, उसका भी रीजन है, पर आज करेंगे क्योंकि सबको लक्ष्मी चाहिए, इसलिए सफाई होगी आज। तो मैं पहले जा रही हूँ इसको साफ करने, फिर उसके बाद मैं घर पे थोड़ी चीज़ें फैलाए रखी हैं मैंने, क्योंकि कुछ चीज़ें पार्सल वगैरह आए थे तो सारी चीज़ें फैली हुई हैं, इनको सेट करना। आज दिवाली बहुत वियर्ड होने वाली है, लाइक मुझे पहले यहाँ रहना है, फिर मुझे घर जाना है, पहले यहाँ पे फिर घर। यहाँ भी सफाई करनी थी बट मैं यहाँ जा नहीं सकती क्योंकि रीज़न है ये। तो ये है मेरा मेकअप जिसका मैंने शॉर्ट्स पर डाल दिया है कि ये मेकअप में मैंने क्या क्या यूज़ किया और कैसे किया है। एंड दैट्स माई नेकलेस जो कि मेरा नहीं है, मेरी माँ का है, बहुत सुंदर है जो कि मैं ही लेके जाऊंगी डेफिनेटली, इसके लिए डिबेट है मेरे घर में। मैं रेडी हो चुकी हूँ, साउथ इंडियन इथीरियल ब्यूटी, आई लव माई लुक एक्चुअली, इट्स लुक सो प्रीटी एक्चुअली। अभी मैंने पिन नहीं लगाया तो इसलिए उधर उधर जा रहा है। अभी मैं जा रही हूँ तोरण के लिए, मेरा घर साफ है अच्छे से, मतलब मेकअप वेकअप फैलाया था वो ठीक करना पड़ा मुझे। ये रहा मेरा, कुछ गिरा दिया मैंने, ऐसे ही करते। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ओह शिट, डर नहीं लगता आपको? नहीं। सच में? दिवाली तो कल और है, मामा तो पटाखे लेने गए हैं। लाओ मैं, लाओ लाओ मैं चलाती हूँ आपके ऊपर। क्या क्या हो जाएगा? ओह डर नहीं लगता आपको? नहीं। आपसे साफ करवाऊंगी ये सब कुछ मैं। साफ कर दूंगी आप? नहीं, गंदा आप कर रहे हो तो साफ भी आप करोगे ना? ये नीचे लटक गया, अब ऐसे ही छोड़ दो, मेरे पास कुछ है नहीं ऊपर एक और लगाने के लिए। बाल्टी पे चढ़ के करना पड़ा भाई, क्या करूं, मेरे पास स्टूल नहीं है। बर्तन साफ कर रही हूँ इस टाइम पे, भूख लग रही है यार मुझे भी बहुत। एक तो मुझे साड़ी पहन कितना अच्छा लग रहा है ना, लंबा लंबा सा। ओ कोई आया मेरे भैया, क्या चाहिए आपको? कुछ खाने के लिए सेट उतार दिया जो कि मैं भूल गई थी, सेट के साथ रिस्क नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कितना वियर्ड लग रहा है, बट ठीक है, बर्गर चाहिए मुझे। अब ट्रेडिशन हो गया है मेरा दिवाली का बर्गर खाना। 3 बज गए हैं और मैंने अभी तो कुछ नहीं खाया, मेरा सही व्रत चल रहा है, तो मैं मॉल नहीं जा सकती ऐसे, मैं वेट कर रही मेरा खाना आ जाए, मैं नहीं जा सकती। इतने गट्स नहीं है मेरे कि मैं ऐसे बंटन के मॉल चली जाऊँ, मैं मॉल के बाहर खड़ी हूँ अपने खाने के लिए। 3:30 बजे के बाद मेरा खाना आया, पता नहीं क्यों आई। मैं अपनी पूजा करना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से घर जाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मुझे अभी दिए जला के जाने पड़ेंगे। मुझे लग रहा है मैं फ्रेम में नहीं आ रही हूँ, अब तो उतार दो यहाँ घर के अंदर में, एकदम से वक्त बदल गया जिस बात बदल गया। इस वाले को पूरी रात भर चलना है, मैं तो बोर हो जाऊंगी अपने घर पे। तेल पी रहे हैं भैया, मेरे दिए सब रेडी हो चुके हैं, अब बस पूजा करनी है। मेरे को तो पूजा करनी भी नहीं आती, सच बता रही हूँ दिवाली की, मैं बस यहाँ पे दिए जला रही हूँ, दैट्स इट, पूजा पापा ही करेंगे घर पे। मैं सिर्फ अभी ऐसे नहीं चलाती दिया। हाँ लेकिन मैं चलाती हूँ। अपना आउटफिट चेंज कर लिया है, ये भी बिल्कुल दिवाली वाइब्स दे रहा है, इसलिए चेंज किया क्योंकि अब मैं पटाखे जलाऊंगी, मेरे को मेरी साड़ी नहीं संभाल, मैं मतलब साड़ी नहीं संभाल पाऊंगी, तो इट्स बेटर कुछ ऐसा हो जिसको मैं संभाल सकूं। दिवाली बिना इनके अधूरी है। सब कितना जगमग जगमग हो रखा है, पर हाँ पॉल्यूशन भी देख सकते हो, काफ़ी सुंदर लग रहा है।
दिवाली पे एक चीज सबसे अच्छी लगती है वो है हर जगह लाइटें दिख जाएंगी, पूरा घरा हरा घर बना रखा है, पेड़ उधर लाल, कितना अच्छा लग रहा है। एक और चाहिए मुझे। फाइनली बस मेरे कपड़े ना जले इनसे, देखते हैं ये क्या है, इसमें जला रही हूँ, क्या है ये, ओ नहीं फूटेगा, घर जा रहे हैं हम क्योंकि मैंने दिया बुझा दिया, भाई के साथ फोड़ूंगी इनको मैं। ओके गाइस मिलते हैं घर। वहां से किचन की शॉप की है ना, ऊपर क्या करेंगे, घर ले आना यार। एक लड़की एक्चुअली सुसाइड कमिट करने चली गई थी, बहुत भीड़ है यहाँ पे अभी, जिसके भी घर की दिवाली थी बहुत खराब हो गई, थैंक गॉड लॉक टाइम पे चले गए। वो पर्सन उसके पापा हैं पर नहीं कोई भी नहीं तो उसमें से उनका पापा, हाँ मैं वही देख रही हूँ, वो गुस्सा ऐसे कर रहे थे जैसे अभी यहीं चोटे वाटे बजाने लग जाएंगे इस लड़की पे, मुझे सच में लगा उसके पापा है, पर फिर बाद में पता चला वो लड़की सिर्फ अकेली थी, कोई पेरेंट्स नहीं थे। कुछ लोगों के लिए दिवाली कैसी है, कुछ लोगों के लिए दिवाली कैसी है, प्लीज गाइस डोंट ट्राई इट। घर मैं पहुंच गई हूँ, घर पे कुछ भी नहीं हुआ, हमारी पूजा हमेशा सबसे आखिर में होती है, सबकी खत्म हो जाती है तब होती है, मेरा घर स्टोर रूम हो रखा है, ये हो गया, बट आगे की घटना दिवाली के बाद तक के लिए छोड़ दी। मेरी मम्मी ने क्या बत्तियां बनाई है, मम्मी एक साथ की तो बत्ती बना देती है, आधी ऊपर आधी नीचे बना दी, मेरे पता ऐसी जडन अब चलो दिए रख रहे हैं, ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे। बोल मैं कह रहा हूँ तुम्हें सूट करा ना बहुत बढ़िया लगा, ये पहले मेरी बेइज्जती कर रहा था अब तूने बदल दिया, पीला बन गया है तू एकदम, क्या भैया मेरे कुर्ते की भी तो तारीफ करेगी ना फिर, तू तेरा सूट बढ़िया लग रहा है। नहीं मैं नहीं करूंगी तेरे कुर्ते की तारीफ, चल हैप्पी दिवाली नहीं बोला मुझे, अभी हम आए मंदिर, आजा भीम इधर आओ, पीले हो रहे हो आप, मैं भी आ रहा हूँ, बच्चा दिखा अपना, जय श्री राम। बहुत बड़ा पटाखा चलेगा भाई, पटाखा देख रहे तू, अब हो गई असली दिवाली, चलो फायदा नहीं होगा, जल वाली हमने आज हाथ जल गया, अगर मेरा हाथ जला तो तुम दोनों को जलाऊंगी मैं, आराम से मौका देगी तेरे को, टेंशन मत ले, हट जा हट जा हट जा, लड़के कम जीते क्या, अंटसंट तरह से पकड़ा चलाएंगे, अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू होगा, तोड़ के रहेगा।